साथियों, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम करना आपके लिए संभव नहीं हो सकता, और जो पढ़ाई नहीं करेगा वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक बात है, इट इज़ नो यूज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको लगता है स्कूल नहीं जाने से अगर कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपका वहम है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ आपके जो घर में लोग हैं, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके बीवी हो, किस्मत में जो आपकी किस्मत है, किस्मत और बीवी तंग ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो साथ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये आपके लिए ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई जो भी है आपकी ज़िंदगी में साथ देने वाला होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली बात है कि कर्मों से ही पहचान होती है लोगों की। आप जितनी पढ़ाई करोगे उसी से आपकी पहचान होगी। इंसानों की जो है कर्मों से ही पहचान होती है। महंगे कपड़ों से इसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि महंगे कपड़े तो जो है बड़ी बड़ी आप शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर जो डमी लगे होते हैं वो डमी भी जो है बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आदमी जो होता है, जो आदमी जो शॉप का ऑनर होता है, उसकी पहचान तो उन कपड़ों से नहीं होती है। उसकी पहचान तो इससे होती है उसने कितनी पढ़ाई करी हुई है। हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, ए पी जे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इज नॉट परमानेंट बट लाइफ इज परमानेंट, सो फेस द प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस एंड इन्जॉय योर ओन लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा है, बट आपको उस प्रॉब्लम से लड़ना है, और उससे लड़ के तभी आप आगे बढ़ सकते हो, और उस प्रॉब्लम से आपको अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है मतलब नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फेलियर आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको फेलियर का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी कीमत पर हार नहीं मानी। अगर आप फेल भी होते हो, अगर दोबारा शुरुआत करते हो, तो ये आपके पास एक अनुभव रहेगा, मैंने ये गलती की हुई है इस कारण से मैं फेल हुआ। तो आप ये फेल होने से कभी मत डरिए। आपको फेल होना है तो हो जाइए, कोई बात नहीं, बट आपको ये सोच के रखना है कि आपको जीतना है, और एक दिन आप ज़रूर जीतोगे, ये समझ लो। एक बात और, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो। संसार में एकमात्र ऐसा इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जो है ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, तो इसे खोइए मत। अगर प्यार से बात कर लेंगे, अगर किसी से आप बात कर रहे हो तो प्यार से बात कर लो। आपका जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए, कि अगर आप कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, आपके घमंड आने, घमंड नहीं होता है। प्यार से आप बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में कुछ, आपके अंदर ऐसा एक टैलेंट है जिससे आप हर बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर घमंड हो। आप अपना ये समझ लीजिए, आप इस तरीके से बात करना है, कभी आपको लगे ही नहीं दूसरे को कि बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इस बात का घमंड आपको नहीं होना चाहिए। ज़माना बदल गया है, लोग जो है सही और गलत को जो है इस बात से देखते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सोचो, आप ज़माना इतना बदल गया है कि लोग यही आपका सोच सही और गलत की, मतलब आपको यही देखते रहते हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन आपके दिमाग में भरा क्या हुआ ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी नज़रों में लोग देख के पहचान लेते हैं आजकल कि मतलब ये बंदा किस टाइप का बंदा है। एक मोटिवेशन है काफ़ी बड़ा, अभी हाल फिलहाल में UPSC का रिजल्ट आया है तो आप लोगों ने देखा होगा, तो एक 14 साल से एक लड़का है जो कि ईंट भट्ठे पे काम करता था। 14 साल से कम उम्र में ईंट और भट्ठे पे काम कर जो है पत्थर तोड़ते थे, काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। उन्होंने IAS निकाल लिया। ये समझ लो, अगर कोई 14 साल से बंदा जो है लेबर मजदूरी करके IAS बन सकता है, तो आप ये सोच लो आप क्यों नहीं बन सकते हो। और आप हार मानने की सोचते हो, हार नहीं मानना है, आप ये सोच लो।
किसी भी कीमत पे आपको हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपको नहीं हार माननी है। और ये IAS का अगर एग्ज़ाम कोई निकाल सकता है, मतलब वो भी छठी सातवीं बार में अगर कोई पेपर देकर, तो आप भी कोशिश करिए। समय और शिक्षा का दुरुपयोग का असर हमें बाद में ज़रूर दिखाई पड़ता है। अगर आप टाइम पे पढ़ाई नहीं करोगे तो ये समझ लो आपको कभी ना कभी इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होगा कि मैं उस टाइम अगर पढ़ाई किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप ज़रूर एक दिन सफल बनोगे। अगली बात पे हम बात करेंगे टाइम। टाइम क्या मैटर करता है? ऐसा होता है, बोलते हैं कि माई टाइम इज़ बैड सो आई एम साइलेंट, लेट द टाइम कम आई विल टेल हु आई एम। बट ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टाइम ख़राब है या टाइम अच्छा है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें हमेशा ये सोचना है कि उस टाइम को हम कैसे अच्छा बनाएं। आप कितनी मेहनत करो कि वो जो टाइम आपका ख़राब लग रहा है आपको ना, वो अपने आप ही आपको लगने लगे कि नहीं, ये टाइम अब हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। और ये आप डिसाइड करोगे, ये टाइम डिसाइड नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये कोई और डिसाइड नहीं करता, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ता है। APJ अब्दुल कलाम एक बात और कहते हैं, समय होता है वो डिसाइड करता है कि तुम कौन हो, ठीक है। टाइम डिसाइड हु यू मीट इन योर लाइफ, और जो आपका दिल है, हार्ट डिसाइड हु यू वांट टू योर लाइफ। मतलब ये समझ लो कि आपका दिल क्या डिसाइड करता है और आपका समय क्या डिसाइड करता है, ये दोनों आपके दिमाग पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, आपका जो बिहेवियर है वो क्या डिसाइड, बट योर बिहेवियर डिसाइड हु विल स्टे इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में आपका जो बिहेवियर है वो आपका ये डिसाइड करता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे क्या रहोगे। ये चीज़ हम दिमाग में बिठा लो। अगर ये जो केले का पौधा आप देख रहे हैं, अगर ये केले का पौधा हार मान लेता तो ये पेड़ मर जाता, लेकिन ये देखो इस पूरा पेड़ कट चुका है, उसके बावजूद भी इसमें से फल निकल रहा है, तो इसने हार नहीं मानी। इसके अंदर जो भी गुण बचा हुआ है उसने पूरा यूज किया, और आज देख लो कि पूरे कटे हुए पेड़ से ये पूरा एक फल का गुत्था निकल के आया है। तो ये सोच लो आपको कभी भी हार नहीं मानी। फेलियर तो इसकी ज़िंदगी में था जब पेड़ कट गया था, इसको अगर ये चाहता तो मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये निकल के आया। इसी तरीके से आपको जो है आगे ज़िंदगी में बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पुणे के रहने वाले एक 16 वर्षीय जिनका नाम चांद है, उन्होंने एक ऐसी चांद की बेहतरीन तस्वीर ली है कि मतलब उस चांद का, वो भी देखो भारतीय हैं, भारतीय और पुणे के, भारतीय जो है पुणे के छात्र हैं, उन्होंने मतलब एक ऐसी फ़ोटो ली है चांद की जिसको मतलब 55,000 फोटो से एक फ़ोटो जोड़कर बनाया, जिसका साइज़ तकरीबन 186 GB है। तो ये देखो मतलब आज 16 साल के एक लड़के ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि इंजीनियर मतलब 16 साल की एज में उन्होंने क्या कर दिया। तो ये देखो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो हमेशा अपने अडिग रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे हार नहीं माने, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या तो अनुभव हासिल होगा। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रख लो कि कोशिश मतलब हारना तो है ही नहीं है, आपको जो कोशिश है करते रहना है। अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल होगे। और ये सोच लो कि असफल अगर नहीं भी होते तो आपको ऐसा एक अनुभव मिल जाएगा जो आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकते, और आप किसी को कुछ ऐसा अनुभव दे सकते हो जिससे आपको रहेगा कि नहीं आप कुछ करने वाले हो। इसी तरीके से अगर शांत रहकर मेहनत करोगे, अपने दिमाग को शांत रखो और मेहनत करो, और याद रखना शांति जो है हमेशा सुनामी लाता है। तो अगर आप शांति से रहकर मेहनत करोगे तो आपकी ज़िंदगी में सुनामी ज़रूर आएगा और आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, ये अपने दिमाग में बिठा कर रखना। फेलियर से कभी मत डरना, एक चीज़ ये ध्यान रखना, फेलियर से आप कभी नहीं डरोगे। ताकि ये तो आपके हमारे महाभारत में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा, मतलब कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। जबकि उस श्लोक का पूरा जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव चा, मतलब कि अहिंसा जो है मनुष्य का परम धन है, परम धर्म है अहिंसा, मनुष्य का जो है परम धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। ये भी जैसे लिखा हुआ हमारे धर्म में, ये हर कई जगह लिखा मिलता है उसका अहिंसा परमो धर्म, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उस श्लोक की बात की जाए जो हमारे महाभारत में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चा, मतलब अगर आप
मनुष्य जो है, मनुष्य का जो कर्तव्य, मेन कर्तव्य है कि सही बात है उसका जो है, मनुष्य को जो है अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो वह भी उसका एक सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है, क्योंकि आप किसी भी धर्म में आपको निरपेक्ष नहीं बनना चाहिए। और ये चीज़ आप अपने जिस तरीके, अब एक बात ये अपने दिमाग में बिठाओ कि अगर एक सिलेंडर की बात लेते हैं, सिलेंडर भी कई बार फटता है, एक जो गैस सिलेंडर होता है आप लोग जानते हो, लेकिन वो फटने से पहले भी आपको जानकारी दे देता है, या अगर आप निगेटिव बात लेते हो, अगर वो गैस सिलेंडर फटने वाला होता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो हम ये समझ लेते हैं अगर हम अगर फेल होने वाले होते हैं तो गलती हमारी ही होती है, अगर गैस बंद है तो ये समझ लो कि आप पास हो जाओगे ज़रूर। उसी तरीके से जैसे कि एक LPG सिलेंडर जो कि बहुत ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि अगर यह लीक हो जाए तो बहुत भयानक और विनाशकारी विस्फोट हो सकता है। इससे बचने के लिए इसके अंदर जो है मिथाइल मरकैप्टन के नाम से एक गैस मिलाई जाती है, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन जो है गैस मिलाई जाती है, जिससे मतलब एक बदबू आती है कि इससे पता चल जाता है कि आपको कि ये होता है कि मतलब आपको जो है ऐसा लगता है कि भाई किसी सड़ी हुई जैसे गोभी की बदबू आती है। तो ये लगा लो कि ये सिलेंडर भी आपकी ज़िंदगी जैसा ही है, आपको कभी भी फटना नहीं है, और आपको ये कोशिश करके रखनी है हमेशा कि आप आगे बढ़ोगे, शांत ऐसा रहोगे। आप ये सोच लो जैसे ही अगर अभी आप IAS नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप IAS नहीं बने हो तो ये कुटिया आपका घर हो सकती है, लेकिन जब आप IAS बन जाते हो तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हो। अभी आपके पास ये कुटिया है, लेकिन बाद में आपके पास क्या क्या हो सकता है ये जानते हो। कुछ ज्ञान की बातें हैं, जैसे ट्रेन का इंजन ज़्यादातर समय चालू रखा जाता है, उसका भी एक कारण है, जब चालू रखने में जो इंजन होता है 25 लीटर ईंधन की खपत हो जाती है, और यह मतलब कि ये लगा लो कि जो इंजन अगर दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है, उसको चालू करके रखना और उसको जो है रीस्टार्ट करने में उससे कहीं ज़्यादा खर्चा आता है। तो जो ट्रेन का जो इंजन होता है जो नॉर्मली खड़ा रहता है, उसको तब भी इंजन को स्लो मोशन स्टार्ट करके हमेशा रखा जाता है ताकि उसको दोबारा ऐसा ना करना पड़े, यह भी बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों ने एक कहानी तो सुनी होगी कि जो है एक IAS था जो कि ट्रेन के नीचे आ गया था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में कभी समय आता है कि आप IAS बन गए हो और आप लड़की देखने गए हो तो मैं भी आपको ब्लैंक चेक दे दे कोई कि भाई लो भर लो और हमारी बेटी शादी कर लो, उनके साथ भी वही हुआ। तो आप ये सोचो अगर शिक्षा की ताकत है आपके पास तो आप पैसे को पीछे मत भागिए, शिक्षा की ताकत है आपके पास तो पैसों के पीछे मत भागिए। अगर आपने शिक्षा से सब कुछ प्राप्त किया हुआ है तो आप ये सोच लो शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, ना कि पैसों से। तो पैसे के लिए आप पीछे मत भागिए, ये अपने माइंड में रख कर रखिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।